तो गाइज यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, क्या ही जो कमाल का इवेंट है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी फीस्ट की स्किन मिल रही है, वो भी गाइज एक सिल्वर कलर के टोकन एक्सचेंज करने पर। एंड यार मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत टाइम पहले से इस इवेंट के लीक्स आ चुके हैं, पर स्टिल गाइज ये इवेंट हम लोगों को ना ही इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिला है, ना ही बांग्लादेश सर्वर के अंदर। एंड इसी वजह से गाइज यार बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये इवेंट इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के अंदर भी आएगा, और आएगा तो कब आएगा। तो गाइज आप लोग चिंता मत करो, आज इस फ्री फीस्ट स्किन इवेंट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्री शॉप का भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और गाइज बस इतना ही नहीं, ओबी अपडेट के रिगार्डिंग में मेरे पास आज काफी सारे लीक्स है, वो सब कुछ भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यारो देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइज यार फिलहाल हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। तो गाइज यार 12 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का मिस्ट्री शॉप इवेंट आने वाला है। आप लोग स्क्रीन में देखते रहो, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मिस्ट्री शॉप का रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर एक ओपी सा बंडल है, उसके बाद एक बहुत ही तगड़ा सा इमोट भी है। इमोट आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मुझे तो गाइज इमोट काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पर और भी काफी सारे आइटम है, जैसे की गाइज यहाँ पर साइथ वगैरह भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर ईवो गन के टोकन के क्रेट्स है, कस्टम कार्ड है, डायमंड रॉयल के वाउचर है, इंक्लिप्टर के वाउचर है, वापिस से बहुत सारे क्रेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड अभी गाइज मैंने यहाँ पर मिस्ट्री शॉप को स्विच कर लिया है, और स्विच करने पर भी यहाँ पर हम लोगों को क्रेट्स वगैरह ही देखने को मिल रहे हैं। और गाइज बस इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी काफी सारे आइटम अवेलेबल है, जैसे कि वाउचर्स वगैरह हैं, क्रेट्स है, नेम चेंजिंग कार्ड है। फिर गाइज इसके ऊपर देखने पर हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिल रहा है। ये ग्लू वॉल का स्किन भी काफी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर कटाना का स्किन भी है, आप लोग देखो यार ब्लू कलर का कटाना का स्किन ठीक ठाक लग रहा है। फिर यहाँ पर एक और ग्लू वॉल है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लॉल इमोट भी देखने को मिल रहा है। भाई लॉल इमोट तो सभी का फेवरेट है। फिर ये वाले बंडल को भी देख लो, ये भी ठीक ठाक काफी अच्छा लग रहा है। अब देखो यार मैंने आप लोगों को फिलहाल पूरे के पूरे मिस्ट्री शॉप का रिव्यू करवा दिया है, और हम लोगों को इस पूरे मिस्ट्री शॉप में कहीं पर भी लाइट पास देखने को नहीं मिला है। एंड अगर हम लोग मिस्ट्री शॉप की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये 12 तारीख के दिन हमारे गेम में आएगा। तो गाइज यहाँ पर एक और चीज कंफर्म होती है कि 12 तारीख को तो मिस्ट्री शॉप आएगा, पर उसके अंदर हम लोगों को इलाइट पास डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। सच में यार इलाइट पास डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, बट यार मिस्ट्री शॉप के अंदर हम लोगों को इलाइट पास डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे बंदे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या हम लोग इस मंथ का इलाइट पास ले ले, या फिर अभी भी इंतजार करें हम किसी डिस्काउंट इवेंट का, जहां पर से हम लोगों को इस मंथ के इलाइट पास में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस चलो मैं आप लोगों के इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देता हूँ। अब यार देखो इलाइट पास डिस्काउंट का सीन कुछ ऐसा रहता है कि इलाइट पास में डिस्काउंट तो हम लोगों को मंथ के एंडिंग में ही देखने को मिलता है। एंड इस बार भी सेम ही चीज रहेगी, इस मंथ में 25 से 30 तारीख के बीच में आप लोगों को हमारे गेम के अंदर ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर इलाइट पास भी मौजूद है, साथ ही साथ यार हमारा हेलोवीन वाला बंडल भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे बंडल भी काफी अच्छा लग रहा है। अब यार बंडल तो रहने दो, यार मुझे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इलाइट पास में। अभी गाइस चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर भी यहाँ पर कुछ खास ऐड नहीं हुआ, जस्ट एक फालतू सा अपर ऐड हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो गाइस यार यहाँ पर सीन कुछ ऐसा रहता है कि हम लोगों को स्पिन करना पड़ता है, और हम लोगों को जो भी डिस्काउंट मिलता है वो अप्लाई हो जाता है हमारे ये आइटम्स के ऊपर। इवेंट काफी ज्यादा सिंपल है, और इसी इवेंट के अंदर हम लोगों को इस मंथ के लाइट पास में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इस इवेंट की कंफर्म डेट की बात करें तो ये इवेंट हमारे गेम के अंदर 25 से 30 तारीख के बीच में आएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो गाइस होप करता हूं आप लोगों को ये इवेंट भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे OB37 अपडेट के रिगार्डिंग कुछ लीक्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये धासु सा एनिमेशन देखो यार, क्या ही जो तगड़ा लग रहा है। और गाइस ये एनिमेशन हमारे गेम के अंदर OB37 अपडेट के बाद आने वाला है। भाई मुझे तो ये एनिमेशन बहुत पसंद आया, आप लोग खुद ही सोचो जब आप लोग इस धासु से एनिमेशन के साथ किसी के भी स्क्वाड में एंटर करोगे तो भाई क्या ही जो तगड़ा वाला स्वैग जाने वाला है। बाकी गाइस हम लोगों को यार OB37 अपडेट के बाद कुछ और भी आइटम देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये बहुत ही कमाल की ग्लू वॉल की स्किन। इस ग्लू वॉल में जो डिजाइन है वो कुछ 3D टाइप का बनाने की कोशिश की गई है। आप लोग देखो यार फुटबॉल का स्टेडियम सा लग रहा है, एंड यहाँ पर एक फुटबॉल रखी है, उसके पीछे नेट है, और ग्राउंड भी यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल गाइस यार ग्लू वॉल तो काफी अच्छी लग रही है। बाकी गाइस यार फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बांग्लादेश सर्वर के अंदर आने वाले एक वेब इवेंट के बारे में। तो गाइस ये जो गेट सेट ब्रोजा वाला वेब इवेंट आप लोग देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं ये काफी जल्द हमारे बांग्लादेश सर्वर में आने वाला है। जो इसके लिए डेट कंफर्म हो रखी है वो है 7 नवंबर। एंड यार मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे तो कुछ खास ये वेब इवेंट अच्छा नहीं लगा। बाकी गाइस अभी तो यार ये 7 तारीख को बांग्लादेश सर्वर में आएगा, फिर हो सकता है कि ये हमें इंडिया सर्वर के अंदर भी देखने को मिले, इसलिए गाइस मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू भी करवा दिया। होप करता हूं गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो गाइस अगर आप
आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिल रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी बंदा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइस यार हमारे चैनल पे ऐसे ही कमाल के वीडियोस रेगुलरली आते रहते हैं। बाकी गाइस यार अभी आप लोग वीडियो में ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आने वाले टाइम पे हमारे गेम के अंदर M1014 में भी चिप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार यहाँ पर देखो मैं M10 को यूज कर रहा हूँ, एंड गाइस यार इसमें चिप भी लग रही है, ये अपग्रेड भी हो रही है। और मैं आपको बता दूं यार लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीन लेवल तक ये अपग्रेड हो रही है हमारी नॉर्मल चिप वाली गन की तरह। एंड इसमें हर एक लेवल के साथ साथ बहुत तगड़ा वाला अपग्रेड हो रहा है, इसका डैमेज भी गाइस इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस होप करता हूँ आप लोगों को ये M10 का अपग्रेड वाला चिप भी पसंद आया होगा। और गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे कटाना का नया एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, जैसे ही मैं कटाना से फायर वाला बटन यूज कर रहा हूँ तो इसमें कुछ अलग सा यार एनिमेशन आ रहा है। पहले हमारा कटाना कुछ इस तरीके से वर्क नहीं करता था, पर इस बार यार अपग्रेड के बाद हमारे कटाना का पूरा ही एनिमेशन चेंज कर दिया गया है। बाकी गाइस यार मुझे तो ये एनिमेशन कुछ खास पसंद नहीं आया, आप लोगों को ये एनिमेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलो गाइस यार मैं आप लोगों को ओबी अपडेट स्पेशल कुछ गन स्किन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यार ये सब चीजें तो आप लोगों ने एडवांसर और में भी देख ही ली होगी। तो यार यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये कुछ अपकमिंग स्किन निकल के आ रही है। ये जो सबसे पहला गन स्किन है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो न्यू गन हमारे गेम के अंदर ओबी अपडेट के बाद आएगा ये उसका स्किन है। इसके बाद गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक कार 98 का स्किन देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर चार्ज बस्टर का भी स्किन है, उसके बाद यहाँ पर AN94 का स्किन है, देन यहाँ पर ट्रीटमेंट स्नाइपर का स्किन है, उसके बाद यहाँ पर ग्रेनेड का भी स्किन है। अब यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा ग्रेनेड है। यार तुम लोग सच में कमेंट करते नहीं हो, पर इसका आंसर आप लोग बता ही देना, मैं भी तो देखूं किस किस को याद है इस ग्रेनेड का नाम। इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर कुछ बंडल भी देखो, ये बंडल भी गाइस काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर 4 मेल बंडल है, साथ ही साथ 3 फीमेल बंडल है। और गाइस हम लोगों को ये बंडल भी हमारे गेम के अंदर OB37 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेंगे। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को ये बंडल भी पसंद आए होंगे। एंड चलो गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है फ्री फीस्ट स्किन। तो गाइस यार देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे गेम के अंदर एक इवो फीस्ट आने वाली है, जिसका कंप्लीट रिव्यू भी मैं आप लोगों को पहले की वीडियोस में दे चुका हूं। बट फिर भी गाइस आप लोग स्क्रीन में देख लो, यही है वो इवो फीस्ट। अभी हमारे गेम की फाइल के अंदर इतनी है, मतलब ये क्रैक्ड में अवेलेबल है, अभी ये पूरी तरीके से नहीं बनी है। पर आप लोग चिंता मत करो, जैसे मुझे इसका कंप्लीट लुक मिलेगा मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। बट अभी गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो इवो फीस्ट के आने से पहले हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक इवेंट आएगा, जहां पर हम लोगों को बहुत सारी फीस्ट की स्किन फ्री मिलने वाली, वो भी टोकन से एक्सचेंज करके। अब देखो यार इवेंट तो काफी सिंपल है, पर सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोगों को ये टोकन कैसे मिलेगा। तो यार देखो लीक्स के अकॉर्डिंग तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द एक कॉल बैक इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर गाइस हम लोगों को 5 कॉल बैक करने होंगे, और हर एक कॉल बैक करने पर हम लोगों को 5 ऐसे सिल्वर टोकन मिलेंगे। और जैसे यार हमारे पास 20 या फिर 25 टोकन हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर से फीस्ट के स्किन को ले पाएंगे। तो गाइस होप करता हूँ मैंने आप लोगों को जो कुछ भी अभी समझाने की कोशिश करी आप लोगों को समझ पाए होंगे। और गाइस अगर अभी हम लोग इसकी कंफर्म डेट की बात करें कि किस दिन हम लोगों को ये कमाल का इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो यारो मैं आप लोगों को बता दूं, ये इवेंट अभी मुझे जस्ट एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर मिला था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी गाइस यार अभी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रखा है कि किस दिन हम लोगों को ये हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। बट गाइस आप लोग चिंता मत करो, जिस दिन हमारा ओबी अपडेट आएगा यानी कि 15 नवंबर के दिन, उस दिन गाइस ये इवेंट को हमारे गेम की फाइल के अंदर एड कर दिया जाएगा, देन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे गेम के अंदर किस दिन आएगा। तो फिलहाल तो गाइस यार आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बाजू वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिलहाल गाइस यार हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।